अति पिछड़ा के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। अति पिछड़ा का बलात्कार करके कंठ दबा के मार दिया, अब क्या रहा? आबे तो बढ़िया इस पे आबे, ऐसा नहीं कि घट ढुक्का। लड़की बाज है, लड़की भी खोजता है, दारू भी पीता है। उस एसपी को भगाइए नहीं तो रिजाइन लीजिए। नीतीश के चहेते विधायक अब इस्तीफा देंगे, इस कदर नाराज हो गए हैं कि सिस्टम पर ठिकरा फोड़ रहा है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे जिले के एसपी का अगर तबादला नहीं किया गया तो फिर विधायक रहने का कोई मतलब नहीं है। सांसदी का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले गोपाल मंडल भागलपुर जिले से विधायक हैं और नौगछिया के सीधे तौर पे विधायक होने के नाते वो कह रहे हैं कि जो वहां पर पुलिस पदाधिकारी हैं वो किसी काम के नहीं है, उनसे नाराज हैं, उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। कारण कि अगर तबादला मुख्यमंत्री जी नहीं कराए तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये गोपाल मंडल है, जेडीयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, चहेते हैं और अमूमन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अरे क्या करेंगे, इज्जत नहीं बचेगा तो करेंगे क्या? राके इज्जत में नहीं बचेगा तो कौन सी करेंगे? अति पिछड़ा का लीडर है, अति पिछड़ा महिला के साथ बलात्कार किया, खास करके हमारे समाज की लोग, हमारी स्वजाति है उसके साथ। और एक बात बता देना चाहते हैं, हम पहले वो दिलीप यहाँ के एसपी थे, अति थे, सरोज साहब, सरोज बाबू, मनोज मंडल को गोली मारा, किसी तरह जान बचाया, हमके लिए इसको मार देगा। टुनवा यादव ने मार दिया मनोज मंडल को एकदम दिन दहाड़े बाजार में। क्या पुलिस कर रही है भाई, कहाँ कुछ कर रहा है, कहाँ उसको अरेस्ट कर रहा है? हमारे स्वजाति का जितना बिहार में है सब दखल कर लिया, 500 बीघा जमीन पुलिस के निकट गुहार लगाते रहे, कहीं कुछ नहीं। थाना को घेरा, रिजवी को लाओ, हम ही उस वहाँ से गोल भड़काए, किसी तरह जान बचाए, हटाओ रिजवी पीवी को, छोड़ो, केस तुम पर हो जाएगा, सरकारी केस हो जाएगा, बड़ा फेंक देगा, फायरिंग करके शो कर देगा। किस तरह के एसपी को मांग करते हैं? अरे एसपी का क्या मांग करे, कोई एसपी अभी यही अच्छा काम करे इसी का पूजा करेंगे। आबे तो बढ़िया एसपी आबे, ऐसा नहीं कि घट ढुक्का। अरे ब्राह्मण समाज क्यों ले गया, ब्राह्मण समाज इसको क्यों ले गया? नहीं जानते हैं, जातिवाद करता है, जातिवाद नहीं करता है, लड़की बाज है, लड़की भी खोजता है, दारू भी पीता है, सब कर्मे करता है। एसपी से आप उम्मीद करते हैं? ये जांचे नहीं करेगा बढ़िया से, ये गलते आदमी है, ये गलते जांच करेगा? अपने समाज ब्राह्मण कोई बचाएगा? उम्मीद नहीं है नौ बच्चे नहीं, इस एसपी पर उम्मीद नहीं। सर मुख्यमंत्री भी तो आप ही के पार्टी से हैं तो पार्टी से क्या, मुख्यमंत्री का हम लोग ये हैं तो बुरे दिन से, समता पार्टी का गठन हुआ उस समय से अभी तक हम हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के लिए बेचारा क्या करेंगे, हम तो कहेंगे सारा सारी दोष वो DJP का है जिन्होंने बिहार के पुलिस को कंट्रोल नहीं करता। कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा है। हाँ फेल नजर आ रही है, रही है। फेल नौगछिया बिल्कुल कार्रवाई की मेरे, हम तो डर से नहीं गए भाई, भारतीय जनता पार्टी से मिल गए ब्राह्मण समाज तो हमको वोट लेना है, हम गए ही नहीं। अब जाएंगे, परिजन का पोस्टमार्टम होगा सब, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होगा, अब जाएंगे संतोना देने के लिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो क्या लगता है सर कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके बाद हत्या की गई? हाँ दुष्कर्म हुआ, चिल्लाई जब लड़बड़ा गई, पचपच लड़का करेगा, कितना छेड़छाड़ किया होगा, दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कंठ दबा के मार दिया। कहीं कहीं अगर प्रशासन SP और सजग रहता तो ऐसी घटना ना हो। हाँ भाई SP गलत आ गया है तो बोले सबको, हम SP मत दीजिए, भागलपुर में रहा हुआ है, तहसीलदारी करता था और मेरे विधानसभा में जो भी SP जाता पैसवा कमाने के लिए, मतलब अनुमंडल में जाता है पैसा कमाने के लिए, इनको पैसे का भूख है, होटल होटल घूमना, सारे ईटे वाले को तंग करना, ये तो बाईपासिंग का काम करेगा।
देखिएगा, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना नहीं जाती है, निचले स्तर के लीडर ने बरगला देता है। गलत इसमें है, जो ट्रांसफ़र करने वाला पदाधिकारी है पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है, जो आईएएस आईपीएस वहाँ है ना, पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है। मृतिका के जो परिजन हैं कट जाएंगे, उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ, रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई, क्या करेंगे, मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो, जब एमएलए नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, हम प्रखंड अध्यक्ष थे उस टाइम, 3 साल तक 96 विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं, बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे, वो मेरा तेवर रहा है। ऐसा सराज नौबत आया कि 5-6 पत्रकार को भी मारा, हम माथा भांग दिया है, तो आखिर कहीं कहीं क्या करेंगे? अरे आक्रोश में क्या करेगा भाई, पुलिस साजो एक बात जानते हैं, एक बार एक तो एक तरफ भूमिहार था सैदपुर में, 3 टंगा का जादव लड़का सब घुस के बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, थाने में जाए, इनके जादव जीते, FIR लेवे नहीं करे, हमको बोला, हम बोले काम करो ऐसे नहीं होगा, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूक दो थाने में, फूक दिया, कुर्सी तोड़ दिया, 18 जवान को पकड़ लिया, हम गए धरना दे के, वहीं पर कोर्ट उतार के 14 आदमी को हम रिहा करवा दिए, जहाँ BOL केस चलता था अंग्रेज जमाने में, हम कोर्ट उतार दिए, हम लड़ाकू आदमी है, फाइटर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उपद्रव मचाया गया है, क्या कारण लगता है एक लड़की के का शव जो बरामद हुआ, पुलिस की कहां पर नाकामी इसमें नज़र आ रही है? देखिए भाई, लड़की के साथ तो उसके साथ छेड़छाड़ तो करता ही था, और ब्राह्मण समाज में दूध देने के लिए जाती थी, अब लड़की की औरत है, हम ये नहीं कर सकते, हम देखो नहीं कि हम गए भी नहीं, वो हुआ जब हुआ उस टाइप का, आवेदन देने के लिए थाना गया, रंगरा थाना, तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया, अगर आवेदन ले लेता और कह रहा है कि हत्या हो गई है उसको खोजिए, और एकदम जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए गया उसके घर पर नहीं पुलिस गई छानबीन करने के लिए, कुछ नहीं, नज़रअंदाज किया, केस ही नहीं लिया, और कहाँ से, हमारी सरकार हो जो भी हो पुलिस हो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा सब दरोगा आया है, बात करने का तरीके नहीं है। पुलिस वाहन को फूंक दिया गया, पुलिस वाहन को फूंक दिया, लोग तो रिएक्शन में होता है, पुलिस वाहन को क्यों फूंका गया, कारण क्या है, ये जब से पूरन झा, पूरन कुमार झा, एक सुशांत सरोज ननिहाल था पुनामा में, पढ़े लिखे यहीं तुलसीपुर हाई स्कूल में, सब कुछ किए, उनको दे दिया, तो बहुत समझाने के बाद उनसे सुधार आया, ये पूरन झा इसका ननिहाल है भमरपुर में, ये बहका हुआ दरोगा है, एसपी ये भागलपुर में रह चुका है, भागलपुर में रह चुका है यहाँ से, और उसके बाद सारी कहानी को जानते हैं, वहाँ जाने के बाद इन्होंने भट्ठा का इंक्वायरी करना, थाना का इंक्वायरी करना तो करना ही चाहिए, दुकान सब पर जाना, सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। किसकी लापरवाही नज़र आ रही है? लापरवाही नज़र तो हम क्या कहें, पुलिस महकमे का, हमारा DGP फेल है, भट्टी साहब को लाया गया इसलिए पुलिस पर नकेल साधेगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 साल तक बढ़िया से सरकार चली, पुलिस का अत्याचार नहीं था, ब्लॉक का अत्याचार नहीं था, 7 साल के बाद ऐसा कहानी हुआ, बगैर पैसा लिए FIR करता ही नहीं है, यही 5,000 रुपया दरोगा को देता जमदार को तो FIR ले लेता, कारण क्या है, ये पूरन कुमार झा जो आए हैं ना, इन्होंने शील्ड बांटने का किया, क्या जरूरत था भाई, हम जनप्रतिनिधि हैं कोई है उनसे भी सील बतवाना चाहिए, ये पुलिस एसडीओ से क्यों सील बतवाते हैं, ये होता कौन है, आज है चला जाएगा, इसके जाने से, रंगराज जाने से उल्लफंगे लड़के का या ब्राह्मण समाज का मन बढ़ा।
ये लालू राबड़ी समय काल में सामूहिक बलात्कार दियारा में नहीं हुआ है, होता होगा पटना में, होता होगा कहीं पर, लेकिन यहाँ नहीं। ये पूरन कुमार झा के बदौलत हम मुख्यमंत्री को बोले थे, हम श्रवण कुमार को बोले, सबको बोले, ये एसपी को मैं बैकवर्ड एसपी मांगे हैं, ब्राह्मण को मत दीजिए। आज ये कमाल दिखा दिया, ये कमाल दिखा दिया। कारण है पूरन झा है, इसलिए दरोगा FIR नहीं लगा। हमारी पत्नी हमारी बेटी गुम है, FIR नहीं लगा। FIR ले लेता तो घटना नहीं घटती। सारा सर दोषी है पूरन कुमार झा, एसपी नवगछिया का सन में किया, उसके बाद नवगछिया एसपी का बयान सामने आया कि अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई होगा भाई, दुनिया देख लिया, अति पिछड़ा महिला के साथ, अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है, उसके बल पर सरकार बनाती है, अति पिछड़ा के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं, अति पिछड़ा का बलात्कार करके कंठ दबा के मार दिया, अब क्या रहा, क्या कार्रवाई करेगा एसपी? तो सर ये कहना है कि जिस समय की राजद के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार का, उस समय जंगल राज था, घटनाएं होती थी तो जंगल राज था, अब अभी इनके साथ रहकर घटना हो रही है तो क्या कहेंगे? जंगल राज तो नहीं कह सकते, उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ नहीं था यहाँ, बंजर था, इसको हर विभाग में हर चीज में देखिए चांद लगाया। बीजेपी वाले कहते थे कि जंगल राज है उस समय, अब क्या कहेंगे? अब देखिए बीजेपी वाला सोचे हम क्या बोल सकते हैं, हम तो एक ही बात बोले, लालू राबड़ी के समय काल में पटना में कांड होता था, गांव देहात में ऐसा कांड नहीं हुआ। ये तो एक तो एसपी आने से, भारतीय जनता पार्टी से तालमेल हुआ और गलत एसपी आ गया, एसपी के कारण ये दुर्व्यवहार हो गया पूरे मामले में। अब ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।